अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज शहबाज खान, भगवानपुरा रमज़ान बाज़ार हम मौजूद हैं। और यहाँ क्या फैसिलिटीज़ लोगों को दी गई हैं, महंगाई के हालात क्या हैं, लोग क्या रद्दमल दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए, भगवानपुरा रमज़ान बाज़ार के बारिश के बाद के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये कैमरामैन साहब जो हैं अरसलान साहब, अगर आपको दिखा सकें, यहाँ एक नन्ना मुन्ना सा तालाब बनता जा रहा है और लोग जो हैं अब यहाँ से जब गुजरेंगे तो वो उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वॉक थ्रू गेट जो हैं वो भी नहीं चल रहे और वो मैन्युअली आप देख रहे हैं, कुछ इधर जो हमारे वर्कर्स हैं वो इसको पानी को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। महंगाई के हालात क्या हैं, लोगों को किस मयार की चीज़ें मिल रही हैं, क्या मामलात हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। क्या हुआ, जो लाइन में लगे हुए ना उनको नहीं दे रहा था, जो बाहर से उधर से आते हैं साइड से उनको वो पकड़ाई जा रहा है थोड़े। अच्छा, हमें खड़ा किया भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वालों से खड़े रहे यहाँ पे, वाकफियत निभा रहे हैं। हाँ, वाकफियत निभा रहे हैं, यही बिल्कुल। ये पानी आ गया जहाँ ये कैमरामैन साहब भी खड़े हैं, आटे की बोरियाँ आप नीचे दिखा सकते हैं, ये आटा खिलाएंगे आप। कैमरामैन साहब दोबारा से शॉट लें इसको, आप थोड़ा आगे आएँ, यहाँ आपके पीछे पानी है, ये बारिश के बाद तो ये होगा जी। और ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ती हैं, नहीं तो कुछ चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? सलाम अलैकुम। क्या कुछ लाइनें लुइने आप सही नहीं कर रहे, मामला लोग गिला करते हैं। सर ये लाइनें बिल्कुल ओके थी। अच्छा, साफ था, सिर्फ ये बारिश आने की वजह से ये प्लेटें नीचे बैठ गई हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से बारिश ऊपर आई है और ऊपर तंबू लगे हुए इसकी वजह से जरा बारिश आई है। नहीं, वो कहते हैं लाइन के अलावा भी लोगों को आटा दे देते हैं, हमारी इस बात नहीं सुनते। सर लाइन के अलावा फूल वाले हमें नहीं जाने देते गे। अच्छा, हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइन के सवा अगर ले देंगे तो क्या लाइन वाले हमें छोड़ेंगे या ये काम ऐसा होने देंगे? 5000 का चेंज लेने गया था मैं, 5000 का चेंज लेके आया हूँ, तो इन्होंने साइड पे कर दिया, कह रहे हम लाइन में आओ। जब उसको चेंज लेके आया तो उसने शोर डाल दिया, कैमरा आ गया, बस कैमरे के सामने उसने। और तो ये आटा नहीं लेने वाले? आटा ही लेने वाले हैं, लाइन से गया है, चेंज लेके इनके पास पैसे खुले। अच्छा अच्छा, चेंज लेने ये मसला हुआ है। और ये भाई इसे भी आगे खड़े, बताओ भाई। अपना बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं। चलो, हाँ हाँ, लाइन में खड़े हुए, एक तो है जो नहीं सही है लेकिन बाकी लाइन में है, और जो लाइन में नहीं है उनको नहीं दे रहे। ये आटा किस तरह मिल रहा है आपको? 374 रुपए। ठीक है, ये खा के देखें। हाँ, मेरा रोज़ा अभी खाता हूँ। नहीं, कल परसों नहीं लेके गए? पहली बार लेके गए। उससे पहले ये आटा लेके गए हैं आप? नहीं, आप पहली दफा हैं? आप जी पहली दफा हैं जी? इससे पहले नहीं खरीदा? आप भी नहीं पहले दिन आए? फर्स्ट टाइम खड़े हैं अभी, जब बारी आ गई तो पता लगेगा कैसा आटा। 20 मिनट हो गए हैं, लाइन तो हिलती नहीं है। अभी जाके खरीदेंगे तो पता चलेगा, अभी जाके पकाएंगे तो पता चलेगा। नाका सिस्टम है, 3 घंटे खपे होते, चीनी पीछे जा रही, चोरी हो रही है। वो कैसे पता नहीं, पीछे भेज रहे हैं। किसको? ये नहीं पता हमको, बड़े बड़े पार्के भेज दिए। 3 घंटे दलील किता इन्होंने सानू चीनी के चक्कर में। हाँ जी, इंतजामिया इधर आ गई, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, बिल्कुल नाकस इंतजाम है। ये आप देखें रमजान बाजार है लेकिन जुड़ के लोग सारे खड़े हैं, कोई SOPs नहीं है, लोगों के मसाइल हैं, कोरोना फैल रहा है, लेकिन सरकारी रमज़ान बाज़ार जो हैं इंतज़ामिया के लगाए गए उनका ये हाल है। और ये बेहतर जगहों पे लगाए जा सकते थे जहाँ SOPs का कम से कम ख्याल रखा जाता, इंप्लीमेंट करवाया जाता। अब जुड़ के लाइन जब लगेगी तो शहरी हमारे जो हैं वो मौजूद शहरी हैं सारे, लेकिन वो फासला रखना पसंद नहीं करते। और इधर कोई SOP भी नहीं है कि आप दायरे लगा के थोड़ा फासले पे उन्हें खड़ा करके लाइन बनवा सकें, और जगह बड़ी कम है, कंजेस्टेड इलाका है, जिसकी वजह। कैसे हैं आप? ठीक सर। आप आटा उतारते हैं या लोड ऑफ लोड करते हैं? उतारते भी हैं सर, दे भी हैं आवाम को। ठीक है हालात? ठीक। आपको कोई मसला? कोई मसला नहीं। तो आप कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? हमारे को सर कट्ठा हिसाब होता है। कट्ठा ही? महीने का? नहीं, 10-12 बंदे शाम को। शाम को कितने निकल आते हैं बीच में से? 1000-1200 निकल आता। ठीक है फिर, लेकिन सारा दिन मेहनत है? सारा दिन करना तो जारी बात है, 1000 मिलता है। मुश्किल काम है? काम तो मुश्किल है करना। कहाँ के हैं आप, किस इलाके से? मेलसी। मेलसी? मेलसी से। बड़ा अच्छा इलाका है यार, खूबसूरत हसीन इलाका। तो लाहौर कितनी देर से है? लाहौर तकरीबन 2-3 महीना हो गया। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। मेलसी याद तो नहीं ज्यादा आता? नहीं, याद तो आते सर, जाएंगे। बच्चे उधर ही हैं? उधर ही हैं। आते जाते रहते हैं फिर? नहीं, यहाँ ईद पे जाएंगे सर। अभी गए ही नहीं, जब से आए हैं गए ही नहीं। नहीं, अभी महीना हो गया, अभी नहीं गए। महीने से नहीं गए? नहीं। फोन पे रब्ता? फोन पे रब्ता। पैसे भी भेज देते हैं? हाँ। क्या बात है, और क्या चाहिए आपको? हैं
खुश रहें। थैंक यू थैंक यू। ये देखें रमज़ान बाजार, जहां सबसे बढ़कर SOPs का इसे शाहकार होना चाहिए था, जहां लोग जो हैं वो जुड़ के ना खड़े होते, लेकिन आप लंबी लाइन देखेंगे जब आटे वाली, तो इसमें लोगों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग आपको हवा में कहीं मौलक नज़र आएगी, हवा में उड़ती हुई सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखा रहे हैं। रमज़ान बाज़ार का ही हाल है और लोग कतारों में लग लग के जो मसाइल हैं उनके क्या कह रहे हैं? चने की दाल वो नहीं है, घी या वो नहीं यहाँ से मिल रहा है, और हम लोग यहाँ आते हैं ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, ख़ास करके आपको पता है चने की दाल भी अगर नहीं होगी, घी नहीं होगा, तो ये चंद चीज़ों के लिए दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं दोनों। गरीब आदमी जाहिर है दाल भी खाता है, दाल चना, तो दाल चना है ही नहीं है, घी 130 का वो कह रहे हैं, यहाँ कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक चीनी के पीछे लगे हुए, बाकी तो किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। घी ये समझो कि 100 रुपये का है, अगर इसमें 10 रुपये रिलीफ है तो पूरा दिन हम जाया करेंगे वहाँ पे, ये अजीब मंतक है। दुकानों में आम आवाम के लिए दुकानों में ये प्रॉपर रेट पे कंट्रोल इनको करना चाहिए, ताकि वहाँ पे से लोग खरीद सकें, या पूरा दिन ज़ाया करने के लिए कोई मेहनत मजदूरी छोड़ के आता है, कोई सरकारी मुलाजम है वो भी ड्यूटी छोड़ कर आता है, तो ये हाल है। चिकन भी नहीं है यहाँ पे, चिकन का कोई वो भी होना चाहिए, जैसे छोटा कोई अगर है, ये चिकन ख़त्म हो गया, चिकन है ही नहीं है यहाँ पे, चिकन ही नहीं है, अहम ज़रूरियात की जो खास चीज़ें वो है ही नहीं है, बाकी वही चीज़ें सिंपल जो बाजारों में आम मिल जाती हैं। और सस्ता बकरा दे रहे हैं आपको, बकरा खाएं आप, बकरा गरीब आदमी कहाँ खाए, दाल चना दें जो हम खाते हैं, ये ठीक बात है, तो हम असियत के मुताबिक गरीब लोगों के लिए दाल चना तो अहम है, वो है ही नहीं है, तो घी जो है वो भी नहीं है, तो फिर एक चीनी पे रिलीफ अगर ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि लोगों को ये बताया जा सके कि बकरा फूड बंदा नहीं कर पाता, बकरे का आप चिकन लगाते इधर और दाल चना रेगुलर रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं ज़ाहिर एक समाजी मैं रहनुमा हूँ, एक तंजीम, और हमें पता है कि आवाम की क्या मसाइल हैं। कौन सी तंजीम है आप? अच्छा अच्छा, ये हमारी तंजीम बैठी है, तो आवाम जो है उनकी जो मुश्किल है वो हम देखने के लिए खुद भी यहाँ आएँ, ये रेडियो तंजीम के तमाम रिकॉर्ड हमारे मौजूद हैं, ये देख कर आए हैं कि हम गरीबों के लिए क्या करें आगे। दूसरा ये काम है कि दूसरी बात ये है कि हम जो सरकारी मशीनरी है हमारे एडिट होने के लिए जो जाते हैं DCO के पास, वो 2 महीने से पड़ा हुआ है, जो 15 दिन में पहले होता था 2 महीने से वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा कि वो एडिट करके हमें दें, अकाउंट खुला सकें आगे अदारे का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। भगवानपुरा रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद हैं और ये इसका दाखिली रास्ता है, एंट्री पॉइंट है, और ये वॉक थ्रू गेट जो हैं वो चल नहीं रहे, और नीचे पानी आप देख सकते हैं जहाँ से लोग गुजर कर आगे जा रहे हैं, ये यहाँ के इस वक्त हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे जी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनको चाहिए 2-2 पैकेट देने, रोज आना तो नहीं ना आ सकते रमज़ान में, हैं चीनी के इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, शरबत बनता है और दही बल्ले और दूसरे फ्रूट चाट में डलती है, बच्चे पीते हैं, बुजुर्ग बंदा आ सकता है जिसके 3-3 बहू हों, ठीक है, इनको ये चीनी तो बहुत ज़्यादा है, 2-2 पैकेट दे दें, 2-2 किलो के 4 किलो आ जाए करेगी, ये मेहरबानी। आपको रोज आना पड़ रहा है? रोज आना पड़ रहा है, क्या करें, परसों आई थी आज फिर आई हूँ, वो 2 किलो ख़त्म हो गई है, ज़ाहिर है 3 बहू है, 4-4 बच्चे हैं उनके, एक बहू को दे तो वो कहती नहीं मैं मुझे भी ला दो, तीसरी कहती मुझे भी ला दो, जो 2-2 पैकेट दें 2-2 किलो। बच्चे क्यों नहीं लाते? बच्चे किधर हैं? बच्चे काम पे जाते हैं, वो नहीं ड्यूटी पे, हाँ ड्यूटी पे। आप फिर काम आप करते हैं? हाँ घर का काम मैं खुद करती हूँ। ये तो बड़ा मसला है, आपको रोज आना पड़ रहा है? हाँ यही तो कह रही हूँ, 2-2 पैकेट 2-2 किलो के दें ना, 4 किलो चली जाए करेगी घर में, ये 1-2 दिन गुजर जाए, दे दिन गुजर जाए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शबीर हुसैन जी। वीर भाई कहाँ आप इस बारिश में? मैं इस वक्त मैं कह मियाँ साहब ने कहा वे इतो सस्ती मिलेगी, तो मैं इस वास्ते कदों ना वेखना पे कोई चीनी नहीं दे रहे, मतलब ना कोई लेना ना देना, बस ऐसा ही सानू खराब करी जा। चीनी नहीं मिली आपको? नहीं कोई भी नहीं मिली। लाइन में लगे रहे आप? हाँ जी। तो आपका तो तबीयत सेहत का भी मसला है। हाँ जी, क्यों भाई नहीं मिले, चीनी नहीं मिली, बस ऐसे ही परेशान होके, बस हुकूमत अल्लाह ताला ही। कहाँ रहते हैं आप? बड़े मियाँ दर्श रहते।
तो कैसे गुजारा गुजरा कर रहे हैं, क्या मामलाते हैं, कौन कमाता है, कैसे खाते हैं, कुछ थोड़ा हमें भी समझाएं। गोलियां टॉफियां बेचता हूँ निराला स्वीट में। अच्छा, बस ऐसे ही गुजारा करता हूँ, शुक्र। आप आराम कीजिए। कोई और नहीं था चीनी लेने के लिए? नहीं, मैं ही बस लेने से। घर में कोई और नहीं है? नहीं, छोटे ने, मैं बड़ा। बच्चे छोटे हैं अभी? छोटे ने। और भाई भाई आपका कोई नहीं? भाई बेचारे मजदूरी कर गए ने। तो मैं चीनी तो ला ही सकते हैं ना? चीनी मैंने किसी ने दी नहीं, मैं उन्होंने बुझन की बारिश हो रही है, मैं इतने खराब होंगे, कोई गल नहीं सुनना पे। बात ही नहीं सुन रहा आपकी? नहीं कि आपको तो फौरी आपकी खिदमत करनी चाहिए थी, आपको बिठा के आपकी खिदमत में पैकेट देने चाहिए। अजय कहते नहीं मिलनी उठे, मैंने क्या है कहते चीनी नहीं मिलनी, जाए मैंने ऐसे कह रहा। वजह क्या है पता नहीं, कहते जी लाइन च लगो, लाइन च मैं किस तरह लगा। आए आपके साथ चलते हैं, चीनी लेते हैं। या आप इधर तशरीफ रखें, खुद कैसे चलेंगे आप? ये देखें जी, दुश्वारी है। चीनी लाए? हाँ, चीनी लेके आए थे। वो कहाँ रख दी उन्होंने? पता नहीं, ये साथ साथी होंगे शायद, सारे लोग। बाबा जी तुम लाइन च लगे इसको? नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दी? आए क्यों नहीं देते? वो चीनी सबको दे रहे हैं, लाइनों में लगे हो। मैं ऐसे कौन सा हो सकता है कि आपके साथ किसी की जाति रविश है? तो इनका कितना दुश्वारी है बेचारे। नहीं तो ये तो वैसे भी आपको इधर लाग देनी चाहिए, और आप कह रहे हैं उधर नहीं मिल रही। यार ये किसने दी है? ये अंकल को किसने दी है? लाइन में नहीं लग सकते ना जी, मैंने आपको एंड पे देखा हुआ है। वापस कर दिया उन्होंने। ऐसा हल्ला गुला बोला होगा, ऐसे थोड़ी को करता है। गुला बेचारे ने क्या बोलना है यार, वो ये देखे ये चीनी पकड़ी हुई है। नहीं पाते मुश्किल से। ये सब लोगों ने चीनी पकड़ी हुई है, ये देखे ये चीनी पकड़ी हुई है, ये चीनी पकड़ी हुई है, ये देखे ये बच्चे, ये देखे ये चीनी पकड़ी हुई है। ये बाबे के साथ किसी की दुश्मनी है के बाबा? ये देखे ये चीनी नहीं है। सवाल ये है कि इनके साथ क्या हुआ है? यार ये कोई मामला इनका होगा उनके साथ। सर 3 घंटे लेके चीनी मिली है, चीनी हल्फिया, मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ, चीनी चोरी हो रही है। क्या कह रहे हो यार? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्फिया। चोरी क्यों? सर जी चीनी चोरी हो रही, पीछे तोड़े का तोड़े चोरी हो रही है। क्या कह रहे हो यार ये? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, कोई झूठी बात नहीं कर रहा। इतना दलील खवार करके इन्होंने हमें चीनी दी है, कोई साहब नहीं है। कभी पटवारी साहब बैठ जा रहे हैं, कभी हमें हाथ पे पड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी औरतें खड़ी हुई हैं तो औरतों के साथ चीखे मार रहे हैं, उल्टी मुंह को वो मास्क से आके बदतमीजी कर रहे हैं। बच्चे साथ आए वो चीनी ना लें, बिल्कुल वो दे नहीं रहे, आगे बदतमीजी कर रहे हैं। बच्चा आगे चौक में आके चला के उसको कह रहे इसको चीनी लेनी। प्यार से नहीं बात कर रहे भाई? उनसे कहा है ऐसी, कहा है प्यार से, मैंने प्यार से बात क्या करनी है? वो जो सारा स्टाफ बैठा हुआ सारे चोर है, वो तोड़ा निकालते हैं पहले, उसमें से उसके बंडल गिनते हैं, अपना उस बंडल का कैश पूरा करते हैं, लोग पीछे से चीखे मारे हैं, लाइन जहाँ तक लगी हुई है, और वो सारा अपना हिसाब किताब वहीं पे एक एक लिफाफे का करके आगे वो चीनी दे रहे हैं। 2 घंटे उन्होंने चीनी स्टॉक की है बंद, चीनी की कितार है सारी। हाँ जी, 2 घंटे इन्होंने चीनी बंद की है सर जी, 2 घंटे इन्होंने चीनी बंद की है अपना स्टॉक पूरा करने की खातिर, पीछे को चीनी निकाली है उन्होंने। इंतजामिया के लोग लाइन में गया के चीनी लेने के, इसको चीनी नहीं दी, सबको दे रहे हैं भाई, रोक अपनों को बुला बुला के दे रहे हैं चीनी। क्यों दे रहे लोग अभी से शोर डालना शुरू हो गए कि 5 बजे जो है वो बाजार बंद हो जाएगा, तो लाइन क्यों बंद नहीं करवा रहे? बाहर करके उन्होंने हमें चीनी दी है, बाहर करके वहां तक पहुंचेंगे फिर जाके ये लाइन बंद करवाएंगे। चोरी पक्की बात है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्फिया, कहाँ देखा आपने? मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ सर, पीछे से पीछे चीनी निकाली है। आए मैं आपको बंदा दिखा देता हूँ, उन्होंने चीनी दी है पीछे को। आप साथ आएंगे? हाँ जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी यार आप एक मिनट आए ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आमिर खान। आमिर खान साहब आप क्या करते हैं वैसे? अदरवाइज कपड़े का काम करता हूँ। तो आपने जाते हुए देखा? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, मैं रोजा रख के क्यों झूठ बोलूंगा सर? नहीं नहीं आपको कौन कह रहा है आप झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने मैं बंदे देने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने चीनी पीछे निकाली है सर। हाजी साहब आप बैठ जाते हैं, आपको चीनी ले देते हैं, आप कहाँ खड़े होंगे? उधर सोफा लगा था, किधर जा रहे हैं अभी? ये हाई साहब बेचारे मुश्किल से आए जी। कितनी कितनी चीनी आपको चाहिए हाई साहब? 3 किलो लेनी है। 3 kg? 3 किलो चीनी। 3 किलो आप इधर ही बैठे हैं? हाँ जी मैं नहीं दे रहे, मतलब चीनी देनी अल्लाह वास्ते मंगन दे, तू ले दे चीनी।
आपके साथ ये किया? हाँ जी, ये मुझे अलग, मेरे साथ नहीं है ये उधर खड़े हुए थे। मैं कहा मजदूर इंसान है, इसको चीनी दो यार, खड़ा नहीं हो जा रहा उनसे। तो आगे से कहते बहुत दलील करते हैं, रमजान बाजार में भी लग के बहुत दलील होते हैं, जब दलील होते हैं तो फिर चीज मिलती है। वैसे मैं आपको बंदा दिखाता हूँ सर, जिसने चीनी दी है धक्का दे के भाई बंदे को निकाला। सर आए जरा चेक करते, आप इधर ही बैठे, आपके पास आते हैं वो, पहले आते हैं, पहले चीनी देते हैं फिर पैसे लेते हैं आपसे। आप बैठे, इधर ही बैठे। भाई साहब इधर आ गए हैं जी, और ये खातीन की लाइन है चीनी की, आप देख सकते हैं, और वो मर्दों की लाइन। और आप बताएं एस ओ पीज हमें किस जगह हैं, किस चिड़िया का नाम है ये एस ओ पीज? ये हालात हैं जब आप लंबी लाइनें लगवा देंगे चीनी के लिए, आटे के लिए, और मुख्तलिफ शायद खुरनोज के लिए, तो हालात यही होंगे। जो कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग भी है। किस बात की? सर जी इसी बात की, दो घंटे हो गए मैंने शोर डाला पहले चीनी के लिए, जब शोर डालना शुरू हुआ फिर आए हैं वो। अच्छा जी, कौन सा बंदा था जिसने निकाला? हाँ, कहाँ, कौन सा बंदा, कौन सा बंदा, कौन सा, कौन सा? सबर करो सर, कैश है, कौन सा? कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। हाँ हाँ, रखे कैश, रखे कैश। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन है, कौन है बताओ? सर जी इसमें से बंदा नहीं है वो, चला गया। इस बंदे को पता है मेरी मूवी इस बंदे के पास है, इससे निकलवा सकते हैं सर मेरी मूवी। इधर वो बंदा ही नहीं है, वो स्टाफ ही नहीं है इस टाइम। चला गया? हाँ जी सर जी, स्टाफ ही नहीं है। सलाम अलैकुम, सलाम, कैसे हैं जी? कंप्लेन एक कर रहे हैं, जरा सुन लें। कैमरा ऑन किया, दसो है की वजूहत है, चीनी क्यों नहीं मिल रही? मसला है इन्हों आगे मैं सीधा किया कि नहीं किता, ना चीनी मिलती पी कि नहीं, तो मेरा भी लाइन चला फिर बारे से बेची थी। किस तरह मेरी गाल सुन, मेरी गाल सुन सर, मैं जिले इंतजामिया नहीं हूँ सर, सर मैं छोटी बात मतलब मेरी पहले छोटी गाल सुन, सारी मतलब सुनाना ठीक हो गया। बारिश हो गई, चीनी नहीं दे रहे, बारिश हो गई, दो तोड़े चीनी तो निकली है, दो तोड़े तो चीनी निकली है, वो किथे गई? नहीं गलत गल नहीं करो, देखो मैं गुनाहगार खाना देखी है सर, मैंने ऐसे कसम चुका दो, भावे कुरान चुका दो, मैं ऐसे हर फैदन बयान देने तैयार नहीं हूँ। वो बात जो कर रहे हैं सर, मैंने नहीं देखी ये चीज, नहीं देखी आप? नहीं देखी। देखा आपने? सॉरी बारी जाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं झूठ बोल रहा है, एक किलो भी नहीं गई, नहीं होएगी तो मैं अपनी सुनो, वो बाहर कैमरे लगे ना चार्ज करे, मैं अपनी धोन लो आलांगा सर, उधर देख लो चेक कर लो। एक किलो भी आज सर जी, मैं कहना चीनी ना कही, मैं अपनी धोन लो आलांगा सर, मेरी इतने धोन तुम्हें ला देना, मैं ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा। असि नहीं किसी ने पाचो, तुम इतने है नहीं सी, मौके नहीं मौजूद, इंतजामिया तो रही नहीं सी पाइए की, खड़ोदी नहीं पाइए की, बारिश हो गई उतर भजिए, दो तोड़े तो चीनी गई है। मेरी बात सुनो, अब आपने बोलना नहीं है, चुप करके सुननी है मेरी बात, ठीक है? नाम क्या आपका? सर मोहम्मद अली रजा खान नाम है। क्या करते हैं आप रजा? सर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ अपनी यूसी 135 से। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये भाई आया है, मैं भी बाजार में सर्वे के लिए आया था, मुझे शहीद इकबाल चीमा साहब ने भेजा, मैं सर सर्वे के लिए आया, मैंने इस भाई की कंप्लेन सुनी, सुनी तुम्हारी कंप्लेन मैंने सर, इसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन सुनी सर, आपने रिकॉर्ड कर ली? सर मैंने रिकॉर्ड की, उसके बाद सर मैंने अपने दफ्तर व्हाट्सएप भी किया, आप ये चेक कर सकते हैं। समझ रहा हूं, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये देखे ना, ये सर मैंने इनकी बात भी सुनी है और आगे फॉरवर्ड कर दी। सर ये देखे, इनकी वीडियो भी मैंने बनाई है, बनाई है वीडियो मैंने, ये देखे ना, मैंने इसकी वीडियो भी मैंने आगे सेंड की है, ठीक है, जो इसने मुझे कम्प्लेन की। उसके बाद मैं अक्रम साहब को आगे मिला हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही थी, ठीक है, अक्रम साहब को मिला हूँ आगे, अक्रम साहब ने, अक्रम एक मेरी बात सुने, क्या क्या चार पांच पैकेट ये भाई मुझसे मांग रहा था, मैंने इसको नहीं दिए, अपर हो गया ये आदमी, अपर हो गया हमारे पास, इधर शोल्टी है, एक भी पैकेट इधर से नहीं निकला, एक भी थैला जो है ना इधर से नहीं निकला। मेरी सुनो गल, मैं थे अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे ही हां, कैमरे तेरे चल रहे ने, कैमरे अखा तो अन्ने नहीं, कैमरे अखा तो अन्ने नहीं। दो किलो पैकेट है, दो किलो पैकेट है, अगर जो मैं लेके जाऊंगा ना तो मेरे को दो बंदे खोने वाले भी होंगे ना, तो पता लगे खोई गई है, अगर ये तोड़ा गया तो उसे तोड़ा फड़े क्यों ने? वो कानून को आदमी कैसे लेते? मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने, इसने मुझे कम्प्लेन की, इसने मुझे कम्प्लेन की, आपने आगे भिजवाई, आगे भिजवाई, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके खुद आके खड़ा हो गया, मैंने अक्रम साहब को बुलाया, मैं अक्रम साहब है लोग जेडे गरीब आदमी बैठी है, जलील होने वास्ते नहीं आई, इन्होंने कुछ सोचो, उनका बारिश हो गई, लेकिन वो कहता है मैंने खुद देखा है,
मेरे आने से पहले देखो, मैंने पहले की बात ही कर रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ये, ठीक कह रहे हैं आप, ये मुझे कहे एक कोई सलीना गाल दे सो ना, एक सेकंड बंदा एंज किया, एक सेकंड सर देखो निशान ने मेरे को दिया, हां हां क्या क्या जो बंदा जो निकले एंज एकदम ही उन्होंने एंज दिखाया, हां जी एंज एकदम दिखाया, तो बंदे ने उन्होंने पीछे बाल्टी नहीं लिया पांड आया जिधर चीनी पाई पैकेट ने उधर चनु बाहर भेजा या इधर से गया, हां जी सर जी इधर से बाहर गया, आप देख रहे थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार रखो थे, क्या टाइम क्या था सर जी? मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं नोट, गालिबन बारिश जब हुई है ना उस टाइम का ये टाइम है सर। किन्ने पैर होंगे अल्लाह के बंदे, और यार ये देखो ये पीटिया क्या 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 सर जी पैर नहीं थे, क्यों परेशान हो रहे हैं तू? सानू कंप्लेन की ना, क्यों नहीं दलील हुई सर जी? तुम ये थे मौके से मौजूद नहीं सी सर, लेट आए हैं, लेट आए, सही कह रहे हैं वो, दलील असी हो या सानू पता है? मेरा भाई इधर आ, चला इनू चीनी दियो यार, जो कहंदा चीनी ले ले, मैंने चीनी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, चीनी का मसला नहीं है, चीनी का मसला नहीं, कहता है चोरी ना हो, खुआर होता है यार, बात कर रहा मैं इसी से एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना? और चोरी जहाँ तक मजदूर लोग भी आए उनको चीनी दी है, चाचा मजदूर जो आया है उसको चीनी मिली है, वो बैठे हैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह, जो आया हमने उसको दी है, एक चाचा बैठे हैं उधर, कोई बच्चा भिजवाए चेक करें, मेरे साथ आए, आप मेरे साथ आए, आओ आप भी, चाचा जो बैठे हैं उनके पास चलते हैं, और इंतजामिया में से यहाँ से एक दोस्त साथ चलते हैं ताकि उनकी बात दोबारा सुने और उन तक चीनी पहुँचाई जा सके, हमारे साथ रहिए। आपको जमशेद चीमा साहब ने भेजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कोऑर्डिनेटर हूं इधर ही, उनके कोऑर्डिनेटर, हाँ जी। तो आप अभी क्या कह रहे थे इनको? सर मैं उनको ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान आए आपने उनको चीनी देनी है, अच्छे तरीके से सही तरीके से गाइड करना है, आप कोई भी आए किसी भी गरीब आदमी को खजल खुआर नहीं होने देना, ये बात की पता करते हैं। कोऑर्डिनेटर साहब मेरे साथ हैं और हम जा रहे हैं उन चाचा के पास जिनको हम कुर्सी पे बिठा के आए थे अभी थोड़ी देर पहले, कुर्सी पे बिठा के गए थे, कॉल किया किसी ने, उत्तर आपने किसी एक बंदे को जानते हैं आप जिसको आपने? किसी को नहीं जानते, तो कहना था मजदूर आदमी, फेस बंदा कहना मैं ना दो चार चार किलो चीनी मांग रहा है, वो बंदे ने भेजा है, ये देखिए सर ऑन कैमरा है मेरे पास ना कोई चार पैकेट है, दो पैकेट इस बंदे के, दो पैकेट मेरे पास है, ये चेक कर सकते हैं, इस बंदे ने बोला चार चार पैकेट मांगता है, मैंने दो पैकेट जो मुझे चाहिए दो तो मैंने चार करने के है। अच्छा एक मिनट भाई, सवाल ये है आपका, मेरा सवाल आप ना ये है आपसे, आपने किसी को कहा है कि मैं मजदूर हूँ मुझे चीनी चाहिए? आपने ऐसा तानू किसी ने गया है ना ने? क्या मजदूर आदमी ने बेटा जो उन्होंने गवर्नमेंट का आर्डर है ना वही तुम क्या पांच नहीं तेन दो पैकेट देवे आपने आपने, आपने किसी को कहा है कि ये मेरे पास पैसे नहीं है मुझे फ्री चीनी चाहिए? क्या मैं मेरे को पैसे लेके खड़े अभी मुझे क्या मफरल ने किया है? मैं क्या बाबा जी चीनी दे, कहना अल्लाह वास्ते मांगना तू ले दे उन्हें इतनी चाहिए वो दे ना, दो किलो वही ला के दे, जो आपका रूल है उसके मुताबिक दो किलो चीनी ला के दे। ये जी अभी चाचा के पास बैठे बिठाए चीनी पहुंच जाएगी, कोई मजीद दुश्वारी हो ना आ गए आना मजदूरों वास्ते लाइन अलहदा लगी, तुसी इत्थे नहीं बैठना, कभी उधर कभी उधर उधर नहीं चला जा रहा, चले ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर आपने यहाँ आना हो तो वो लास्ट पे लाइन लगी है मजदूरों के लिए अलहदा से, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आए जी इधर कुछ और भी कंप्लेन, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, क्या हाल है आपके? पता लगा मैं आपका, बहुत शुक्रिया, हुकूमत किलो दे दो मेहरबानी, 3 किलो दे दो, मैं बड़ी दूर हूँ, बड़े मियाँ दर्श के लग रहा है, मैं बड़ी मुश्किल है, मैं 3 किलो दे दो, पॉलिसी है आपका, आपकी जो पॉलिसी मैं इस पे तो 3 किलो दे दो, अब आप गाइड कर सकते हैं ना, इन्हें एक हुकूमत की पॉलिसी है कि हम 2 किलो दे रहे हैं सबको, अगर इनको देंगे तो और भी लोग आएंगे उनको भी देनी पड़ेगी, फिर क्या करें बताएं, मजदूर हैं ठीक है दे रहे हैं उनको, आप बताए ना, देनी चाहिए, अरे वाह,
अरे वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, ना मेरे पैसे, मेरे पास से पैसे जाने हैं, मेरी कोशिश है कि आप खुश होके जाएं। ठीक है, ले जा रही, एक पैकेट बाद लाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। मेरे लिए कोई और हुक्म, बहुत शुक्रिया। किसी और की कंप्लेन सुने अगर इधर इधर कुछ कुछ हैं लेडीज आए जी, मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि थोड़ा सा इसे करेक्ट करने की जरूरत होती है चीज़ों को, तो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ लोगों ने ज़्यादा जो कंप्लेन की है वो क्या है कि हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करते, ये भी एक इशू है, इस पर भी बात करते हैं। फिर आप कहते हैं काम सीधा करें, मैं छोटी सी बात करता हूँ, आप हमें कहते हैं काम डिस्टर्ब करें, आपके अपने ना दो पैकेट छोड़ दे दो, सारे कह रहे हैं मजदूर है। अब मुझे एक चीज बताएं, जब आप हमें कहते हैं ये हमारा बंदा, इसे दे दो, फलाने को दे दो, बांधे अवाम हमारे गिरबानी हो, आप किस चीज के कोऑर्डिनेटर जी? हम सरकारी मुलाजम क्यों से ली लो, हम क्यों सरकारी मुलाजम से ली लो? मजदूर है, उनके लिए बात नहीं कर रहा, मजदूर की बात नहीं कर रहा, अलग है। मेरी बात सुने, अलग कस्टमर आया, उसने कहा है कि यार मेरे से ले ले आप, वो मजदूर अब चेहरा पता नहीं कब आएगा कब ना आए, चल रही है सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखे मजदूर, खुद जाके देखे, आप छोड़ दें यार, वो एक मजदूर है ना, आप उसे छोड़ दें। और कौन है, 10 बंदे थोड़ी आए, कितना प्रेशराइज करेंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे, छोड़ देंगे काम को, हम साइड पे बैठ जाएंगे, आए पॉलिटिक्स अपनी आगे कर लें फिर, यार इस तरह काम तो नहीं होता। बैठ बैठ के आया, उसने कहा मुझे क्या प्रेशराइज, प्रेशर पे आप काम कर सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास कैश है, कल इन्होंने इतना प्रेशर डाला, 7600 रुपया जेब से डालना पड़ा सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में। हम इंसान है यार, कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करो, रोजा रख के हम भी यहाँ पे दिन सारा दिन लगे रहते हैं, ये सारे रोजेदार हैं, मेहरबानी करें थोड़ा सा बख्श दें यार, मेहरबानी करो। ये तो पब्लिक थे बेचारे, ये तो कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, इज नॉट कोऑर्डिनेटर, सीधी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके साथ किसी एक को रोकोगे ना, असी फलाने कोऑर्डिनेटर का गल कर, तू गल कर क्या होगा, एंड ऑफ टाइम पर इन्फ्लुएंस कर दे। हमारे ऑफिसर का फोन आता है यार, तुम पागल जे सानू गालां पाउंदे जे, जेड़े पैसे घट देने सानू ओदा जिम्मेदार कौन है, इन्फ्लुएंस कर दे। एक मिनट, कल हमारे साथ क्या किया इन्होंने, कल क्या किया हमारे साथ, सर 7880 रुपए हमने जेब से डाल दिए, पूरे करके कैश जमा करा रहे हैं, कल भी पैसे कटे ने, परसों भी कटे ने, डेली कट रहे ने, आपके सामने थोड़ा खुल रहा है, अभी मैं से खोलता हूँ, इसके अंदर से ना आप काउंटिंग कीजिएगा, पूरी काउंटिंग पीछे कीजिएगा, इसमें जो चीनी के पैकेट वो देख रहे फटे निकल रहे हैं, ये फटे निकल रहे हैं, फटे जाया हो गए, ये जाया हो गए, ये हमारी जेब में पड़ेंगे, ये हमारी जेब से जाएंगे, ये हमारी जेब से जाने हैं, साडे तो वाले होयोगे ते किस तरह करांगे, तुसी लोग साडी हेल्प करो, हेल्प के लिए हेल्प, तुसी साडी, ये हमारी जेब से जाते हैं, तुसी सरकार साडी हेल्प करना हो, तुसी साडे दे अफसर ही ना दिखाओ, एक मिनट देखो असी काम सही नहीं ना करते, फौरी तौर पर मैं तैयार हाँ, ठीक है, तो आप काम करने समझ गए, प्रेशराइज करना ना, हम सारे पीछे हट जाएंगे, हम देखेंगे मुलाजम पीछे हटते, आप एक भी रमजान बाजार चला के दिखा, नहीं चलेगा, इस तरह नहीं होता, हम जेब से पैसे भी डालें, सारा लॉस भी लें, फिर भी हम गलत है, फिर आवाम हमारे सर पे आए, ऐसे नहीं काम चलता, फिर 5 बजे बाजार बंद हो जाएगा, 5 बजे बाजार बंद, ये आप यहाँ के सूरत हाल है जी, देख सकते हैं, और लोग जो हैं वो उनकी मजबूरियाँ भी आप समझ रहे हैं, और यहाँ के आप हालात भी देख रहे हैं, और जो बर्डन है यहाँ की टीम पर वो भी आपने देखा, हालात जो हैं वो आपके सामने है, चीनी की लाइन आपको दिखाई, और इसके साथ साथ उसको भी तो देखें आप, उसके ऊपर से जा पानी पड़ रहा है, तो और क्या, सारे पैकेट जब फटते हैं तो इंतजामिया कहती है हमें पैसे डालने पड़ रहे हैं, ये यहाँ की जी मजमूई सूरत हाल है, इधर साथ पानी की एक जो सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं, और इधर आप चीनी की लाइन है, लंबी चौड़ी सारी SOPs हवा में मौलक उड़ गई, आप देख सकते हैं यहाँ के मामला। हाँ जी, पाकिस्तान की तारीख में 2021 को सुनहरे रूप में लिखा जाएगा कि ठीक है जिसकी हुकूमत और आवाम लेनों में लग के चीनी ले रहे थे, और रोजा का टाइम था और रोजे की हालत में, और ये इंतहाई शर्म की बात है कि कैन कमिश्नर को लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मिला कि 85 रुपए के यकीनी बनाया जाए,
और ओपन मार्केट भी चीनी दे जा। आज मैं कहता हूँ कि कहाँ पे है वो चीनी, कहाँ पे, आपके घर चले गई है कि के घर चले गई है? मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि बाहर ये चीनी आपको किधर भी नहीं मिलेगी, सर्वे कर लें। और अपना को मैं कहता हूँ कि जनाब आप इन लोगों पे रहम करें, अपना बैलफ भेजे और सर्वे कराए कि यार ये चीनी कहाँ पे गई। आपका तो हुक्म था कि ये चीनी ओपन मार्केट में 85 रुपए की, आपके हुक्म को इन्होंने कमिश्नर ने हवा में उड़ा लिया। और हमारा आपसे मुतालबा है कि कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और हमारा आप गुलजार अहमद खान से हमारा यही मुतालबा है के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उससे पूछा जाए कि ये चीनी कहाँ पे गई, क्यों आवाम खुआ रहे। का नाम तो सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है। कब से लगे लाइन में? मैं 2 घंटे हो गए लाइन में लगा हूँ और काफी दिन हो गए। मेरा टी स्टॉल है, चीनी चाहिए क्योंकि रोजी भी कमानी है ना, चीनी के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। अगर ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो भी मिलती, 100 भी मिलती, तो मैं यहाँ पे लाइन में ना लगता। मेरा अभी दुकान का टाइम भी हो गया, पर इस चीनी की खातर हम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और रोजा भी है। अल्लाह इनको हिदायत, इनको डूब मर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ को बुला लेता है, बुला लेता है, अले अब कहाँ पे है? क्यों नहीं कमिश्नर को पूछते, क्यों नहीं को पूछते? हमारा पर जोर मुतालबा है, इन सारों का यही मुतालबा है कि चीनी को ओपन मार्केट में फेंका जाए, क्योंकि जंगीर तरीन की मिले हैं, फिर ये चीनी कहाँ पे गई? उनका क्या फायदा, उनको भी काबीना से निकाले। वजीर खुराक बैठा रमजान में राशन बांटता था, इस साल ना रमजान में राशन है और वो खुराक का मिनिस्ट्री पे बैठा है, उसको तो रिजाइन देना चाहिए। शर्म की बात है उसके लिए कि चीनी उसके मिनिस्ट्री में गायब हो गई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये लोगों के जी आप सेंटीमेंट्स देख रहे हैं, उनके जज्बात देख रहे हैं, और यहाँ सबसे बड़ा जो सलाह है और जो फलाह है वो यही है कि आपको एस ओ पीस नज़र नहीं आएंगी, और ये बड़े महजब अंदाज में वेल ऑर्गेनाइज करके भी ये सारी चीज़ें की जा सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी ने करना था सारा, बड़ी हायरार्की है गवर्नमेंट की, उन्होंने करना था, इंतजामिया ने करवाना था, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। दीगर कुछ लोगों से बात भी करते हैं, हमारे साथ रहिए। वो 10 मिनट्स रह गए क्लोजिंग होने में, तो ये क्राउड जो है इनको हैंडल करने के लिए जो अंदर अपराध हैं उनको हम चीनी दे रहे हैं, बाहर से किसी को नहीं आने दे रहे। ये 5 बजे बंद हो जाएगा? जी जी सर, पूरे 5 बजे बंद हो जाएगा। तो ये बहुत लंबी कतारें हैं चीनी की? सर लंबी कतारें जरूर हैं, आपको पता है जो अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से हमने थोड़ा वक्फा लिया है, ठीक है, वरना ये कंटिन्यू जा रही थी, चीनी मिल रही थी, वो बारिश की वजह से कुछ स्टॉल भी गीले हो। जरा रोक पाएंगे नहीं आप? बहुत अच्छा निजाम चल रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी ठीक है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। क्या हुआ, क्या हुआ सर? इस लाइन में एक बच्चा लगा हुआ था मेरे से आगे, सर उसको चीनी नहीं दे रहा बंदा, वो कह रहा है उसको चीनी नहीं मिलनी। मैंने बोला ये बच्चा चीनी लेने नहीं आया घर से क्या? किसका बच्चा है सर? पता नहीं किसका बच्चा, जिसका बच्चा भी, लेकिन सर मेरे से आगे तो लगा हुआ ना 50 आदमियों के आगे। वो मसला ये है कि अब्बा ने भी चीनी ले ली होगी, बच्चा भी लगा दिया लाइन में, है नहीं ना अब्बा, अब्बा पता नहीं बच्चा किसका है किसका नहीं, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी फेवर में बात कर रहा हूँ। कहाँ है बच्चा? वो बच्चा इसी लाइन के अंदर आगे खड़ा हुआ है। दिखा सकते हैं मुझे कहाँ है? मेरे साथ आइए जी, छोटा बच्चा को लाइन में लगा है उसका भी पता करते हैं कौन है। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान भाई कौन, पापा कहाँ है आपके? पापा घर में लेने आए थे चीनी। तो आपको चीनी नहीं दी? नहीं। क्यों? वो कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड नहीं है, जब तक शनाख्ती कार्ड होगा तब तक। हैं? किसने कहा मेरे साथ? चलो ये देखें जी किस तरह के मसाइल लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो भी लाइन में लगते हैं। बच्चे हेलो किन्ने गया शनाख्ती कार्ड का? तुम बच्चे शनाख्ती कार्ड का गया? शनाख्ती कार्ड का गया तुम बच्चे? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਡੀ ਸੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਐਸ ਓ ਪੀਸ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, आपको उन्होंने चीनी लेने भेजा, आपको ये आपके पास मास्क तो होना चाहिए ना आपके पास। ये देखो वो भी छोटी बेटी है, बच्ची है वो भी छोटी, वो भी देखो मास्क पहन कर आई है। पहली बात तो ये चले बारह ना, मास्क की वजह से नहीं दे रहे? मास्क की वजह से नहीं दे रहे? नहीं नहीं मास्क, वो आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं ना। वो बच्ची को देंगे? पॉलिसी है उसकी, वालदा साथ है उसके। बच्ची को देंगे?
वालदा साथ है उसके, वालदा साथ, उसकी वालदा साथ। फिर आप भाई मास्क भी नहीं पहना आपने, इनको क्या दे दे, मास्क नहीं पहना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, इनको को दे दे। इंतजामिया के ऑर्डर हैं, आप मुझे पैसे दो, इधर बाहर आओ और दोबारा आना तो मास्क पहन के आना। अच्छा हाँ जी, कितनी देर लगी? तकरीबन 2 घंटे। बारी को आपको क्या बात है? हाँ जी सुनाए। हाँ जी बहुत बुरी हाल है जी, 2 घंटे से लगे हुए, मिल जाएगी अब इंशाल्लाह, उम्मीद हो गई है। इतनी चीनी करनी क्या है? नहीं जी सिर्फ 2 ही किलो लेनी है, हमारे 2 ही किलो लेके जा रहे हैं। कितने दिन बाद? अभी ये फर्स्ट है जी, फर्स्ट आज ही आए हैं। आज ही आए जी, आज ही फर्स्ट आ जाए। बड़ी मुशक्कत से चीनी ले रहे हैं आप लोग, बस क्या करें जी, इतनी मेहनत से। ये हालात हैं जी यहाँ के, और इन सारे मामलों में छोटे बच्चे जो हैं उनको अलाउ नहीं है, तो कोई कोऑर्डिनेटर जो हैं अपना सियासी असर रसूख हल्का फुल्का इस्तेमाल करके शायद उस बच्चे को भी चीनी दिला दें ताकि वो खाली हाथ घर ना जाए। लेकिन उसने मास्क भी नहीं पहना हुआ, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये इंतज़ामिया के रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। चले आप इस तरह लोगों की खिदमत कर देते हैं, आना है तो SOPs पे अमल करके आना है और मास्क पहन कर आना है बाजार में जब भी आना है, ठीक है? मास्क पहनो बेटा, और बहुत शुक्रिया सबके लिए, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चीनी लेनी है आपने? अंदर नहीं जाने दे रहे, बंद हो गया टेंट, तो आप इसको कूद जाएं। इसके अलावा नहीं कोई हल नहीं, मेरा ख्याल है आप लेट हो गए आज, ये 5 बजे बंद कर देते हैं इसको। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा पता नहीं, नेगोशिएट करते हैं, आए मुजाकरात करते हैं, मेरे साथ आए। इधर एक बंदा खड़ा है और उनसे पूछते हैं क्या आप क्यों बंद इन्होंने किया है, पूछते हैं। प्यारे भाई, मैडम जी, जी भाई जी, क्या कह रहे हैं? अपनी जगह ठीक कह रहे हैं भाई, अंदर जाना है आपने? हाँ जी, बारिश हो रही थी तो इसलिए लेट आए हैं। सर देखिए 5 बजने वाले हैं, आपको बताया कि 5-6 मिनट रह गए हैं, वो अंदर जाएंगी, अंदर से 5 बजने उन्होंने बाहर भेज देना, इससे अच्छा है कि मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आप बाहर चले जाएं। आप ठीक कह रहे हैं जी सर, बिल्कुल हाल यही है सर, हाल यही है कि अभी बंद कर देते हैं, जो अंदर है उनको मिल जाएगी। बाजी पता नहीं कहाँ से बेचारी आई है यार, सर आप कहाँ से आई है? बाजी रामगढ़ से, इतनी दूर से यार। फिर आप कहाँ से आए? टेंट जी बंद हो गया। हाँ जी भाई, टाइम खत्म हो गया, देखो 5 बजे का, मैं कहा जो लोग आए हैं उनको आप चीनी दिलवाएं, लाजमी दिलवाएं, अब 5 बजे एंट्री खत्म हो गई है, मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ के जी सारी सूरत हाल जो आपको दिखा सकते थे मैक्सिमम, वो सारी सूरत हाल भगवानपुरा रमज़ान बाजार की दिखाई, और सबसे मुश्किल काम आज हमारे कैमरामैन अरसलान साहब का था, जो पानी में अपने पांव डुबोए हुए खड़े थे और मुश्किल से काम कर रहे थे, और बेशुमार चीज़ें आप तक पहुंचाई, लेकिन बड़े डिसिप्लिन से सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, बड़े अच्छे से, बड़े प्रॉपर अंदाज में भी सारा काम जो है, बातरी के आसन जो है उसे किया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। क्या करें, और रोज़ा रखा हुआ है? हाँ रोज़ों में कह रहा हूँ, अफ्तार शहर में आप इनवाइट करें ना अफ्तारी के लिए, तो मैं आऊँगा खाऊँगा ना। कितने बकरे सर? जितने आप खिला देंगे खा लेंगे। आप बकरे, पूरे बकरे बताए ना कितने? नहीं नहीं, नहीं। तो इनको रोक दिया भाई, ये देखें जी, ये देखें, चलो जी टाइम खत्म हो गया जी, 5 बजे का टाइम है, बिल्कुल 9 से 5, अब बात खत्म हो गई जी सर, बाहर जाने का रास्ता बस खुला है बाहर। हाँ जी सामने बंद कर दिया, 5 बजे जी बंद हो गया, रोज 5 बजे मामूल के मुताबिक बजे बंद, लेकिन आज को आधा घंटा ज्यादा देना चाहिए था, बारिश रही है? नहीं बारिश भी रही है, लेकिन बाजार बंद नहीं था, और बारिश में भी चल रहा था, तंगी रही ना, पहुंच नहीं सके, नहीं नहीं लोगों को आने में तंगी रही, चलता रहा, अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ सारा, ये 5 बजे के बाद भी चलता रहेगा, आने का रास्ता बंद हो गया ताकि मजीद बर्डन आए, जो 5 बजे अंदर आ चुके हैं वर्कर्स को निपटाते 6:30 हो जाएंगे, जो अंदर आ चुके हैं ना जी, हाँ जी, इनको बाहर लिख के लगाना चाहिए 9 बजे से 5 बजे तक, इनका कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ, अब हम 5 बजकर 2 मिनट हुए अभी, तो इन्होंने कहा बंद कर दिया, बंद कर दिया, इनको लिख के लगाना चाहिए ना भी 5 बजे तक है। ठीक कह रहे हैं आप, ये जी यहाँ के मामलात हैं, और अभी भी जितना रश आप चीनी के स्टॉल पर देख रहे हैं, और जिस कदर लंबी कतार है, और जिस कदर SOP की वॉयलेशन है, उसके होते हुए आप समझ सकते हैं कि ये अभी घंटा इन्हें लग जाएगा यहाँ के वर्कर्स को सर्व करते करते, यहाँ के हालात जो हैं वो दिखाते दिखाते, और इन मामलों को बेहतर करते करते जो है वो वक्त लग जाएगा। अंदर से दो दो आदमी पैकेट, दो दो पैकेट लेके ये जा रहे हैं,
इसको कह रहे कि यार देख रहे तो एक ही पैकेट दे दो, घर में चीनी तक नहीं है खाने के लिए, ये टाइम नहीं है, सुबह से बारिश हो रही, कैसे हम लोग आएंगे जल लेने के लिए। ये तो गवर्नमेंट का तो जो ऐसे कर रहे हैं, इनका अपना होता ये तो हमें खाने भी ना दें। कहते हैं कि एक डिसिप्लिन सर, टाइम देखे ना, सुबह से कितनी दो घंटे तो बारिश हुई। बहनों को गुजरने दे, आप साइड इधर साइड पे कमी पूरी होगी। मेरी बहन कब से कितनी देर खड़े रहे? घंटा हो गया। एक घंटा? तो घर जो पिछले है ना वो रोते रहे, चीनी नहीं है, रोजा खोलना बच्चों ने, बाजार से मिलती है महंगी सस्ती दे तो लेते हैं ना, ये लेने का तो मसला था ना, ये तो कोई बात ना हुई। महंगी भी है लेकिन एक किलो से ज्यादा महंगी, चीज भी नहीं मिलनी है, तो कोई तरीका ना होया धक्के भी खाने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह कर रहे हैं ना कि ये पैसे दे के हम चीज ले रहे हैं, अगर ये थोड़ी समय सस्ती और बगैर पैसों के दे, ये हमारा गला भी काटेंगे हमारा। नहीं, अफजल चाचा कानून की बात कर रहे हैं कि पांच बज गए हैं। यार जा रहा हूँ मैं तो सिर्फ देखने के, यार है क्या पोजीशन है कि दे रहे एक पैकेट दो पैकेट, मैं वापस। आप कुछ कह रहे हैं सर? टाइम खत्म हो गया, असीं पार्टी दे बंदे आ, वर्कर आ, असीं तरीके इंसाफ दे, असीं ते किसे नूं खाली जान देईदा ही नहीं, साडे इत्थे अफसर बैठे ने। तेरे तरीके इंसाफ सानूं लै के बह गई, तेरी रोटी नहीं हैगी, चीनी नहीं हैगी, आ मेरे नाल चल मेरे घर। आपको कितनी लैनी है? 60 रुपए किलो दे दे। खलो खलो लैन विच, चल खलो, चल खलो, खलो लैन से। अच्छा अच्छा, चल लैन से मिल गई ना, चल खलो, हुणे नहीं मिल रही सी, हुणे मिल गई, तो विच खलो। वो तरीके वर्कर कह रहा है, तो आपको खलो वो लैन से, खप नहीं कह रहा, चले जाओ। वर्कर भेज रहा है, वर्कर भेज, मेहरबानी आपकी, खुद तो आप वर्कर दे रहे हैं, लगे रहे लंगड़े रहे, खड़े हो जी, बस वर्कर लेके देगा आप, हम दे लेके देंगे, कोई बात नहीं। वर्कर जो है बड़ी बसारत रखते हैं सोसाइटी के मामला को चलाने में, वहाँ रोल प्ले करने में, कई दफ़ा लोग इसे पोलिटिकल इंटरफेरेंस बोलते हैं, कई दफ़ा ये खिदमत भी होती है, तो वर्कर जो है वो बड़ी बसारत से हमेशा चीज़ें देखता है। फाज शहबाज खान को भगवानपुरा रमजान बाजार से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पानी।